जो मेंबर्स थे सभी का डिज़ाइन हमने देख लिया सबके एनालिसिस हमने देख लिए सबके बारे में हमने बहुत डिटेल में हमने बातें कर लिए तो काफ़ी सारे हमारे पास वीडियोस यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है कंप्लीट हो चुके हैं आपने आई होप सभी मॉड्यूल्स आपने देखे होंगे काफ़ी अच्छे से जिसमें स्टार्टिंग के आपके पास अगर बात करूँ तो मॉडल नंबर टू जो था दैट इज आपके पास डिज़ाइन फॉर फ्लेक्जर फिर मॉडल नंबर थ्री जो कि डिज़ाइन फॉर शेयर हम करते थे और उसके बाद बॉन्ड और टॉर्जन के बारे में बात करते थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर में ठीक है आर में अगर आप बात करोगे तो बीम्स कोई कॉम्पिटेटिव लेवल की अगर बात कर रहा हूं मैं तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी पोर्शन कहां से आता है बीम से आता है अंडर फ्लेक्जर्ड शेयर एंड बाकी के जो क्राइटेरिया टॉर्शन और बॉन्ड वगैरह ठीक है फिर उसके बाद हमने देखा था हमने बीम की बात कर ली थी स्लैब्स के बारे में देखा था हमने कॉलम्स के बारे में देखा था हमने फुटिंग्स के, फुटिंग के बारे में देखा था उसके बारे में हमने कोडल प्रोविजन्स के बारे में बात की थी कि आई कोड क्या क्या वैल्यूज अंडर सर्टेन आपके पास जो भी कॉम्पोनेंट आप निकालना चाहते हो क्या क्या वैल्यूज आपको प्रोवाइड करके रखा है

आर अलग है पी अलग है पी मतलब प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट को शॉर्ट में बोल रहा हूँ पी एस बीम्स ठीक है जो अगर बीम्स आप बना रहे हो तो पी एस बीम्स वगैरह के बारे में बात करते हैं ठीक है तो आर हमारे पास जो सिक्स मॉड्यूल्स हमने जो बात की थी entirely वो एंटायरली वो आर सी बात किया था अब जो हमारे पास सेवन जो मॉड्यूल है वो आर का एक एडवांस टाइप का वो आपके पास मेंबर आ गया जैसे आप डिजाइन कर सकते हो वो क्या आपके पास दैट इज योर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट ठीक है तो बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट एक एडवांस्ड वर्जन है किसका इसका रीनफोर्ड सीमेंट कॉन्क्रीट का तो अगर मैं एडवांस वर्जन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अगर बात करूँ प्री स्ट्रेच कॉन्क्रीट की तो ये काफी ज़्यादा और क्या कर रहा वैल्यू को ऐड कर रहा होगा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में ठीक है तो अगर मैं बात करूं आपके पास जनरली आप प्री स्ट्रेस्ट कॉन्क्रीट कहां पर यूज करते हैं अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट ना मेनली हम यूज़ करते हैं जब आप बड़े टाइप के स्ट्रक्चर्स बना रहे हो अगर मैं बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए आप ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं ठीक है या फिर एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ पे लोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आता है और उसकी डिज़ाइन लाइफ हम काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं ठीक है छोटे स्ट्रक्चर्स की अगर बारे में बात करूँ तो वहाँ पर हम पी को यूज़ नहीं करते जनरली क्योंकि थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर कॉस्ट आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकता है लेकिन इसका एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो इसका एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है ठीक है डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो ये नॉर्मल आपके पास आपको इसके बारे में पीएससी के बारे में एक नॉर्मल आपके पास जो थोड़ा सा नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं वो इनके बारे में पी के बारे में उतना डिटेल नॉलेज नहीं रखते होंगे अगर ये पी का जो जो डिज़ाइनिंग जो होता है ठीक है वो जो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो वो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके जो इंजीनियर्स होते हैं वो थोड़े एक अच्छे लेवल के होते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग एकदम अलग होती है आर सी एकदम अलग होता है तो बेसिकली मैं सबसे पहले बात करूँगा कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो है मैं बोल रहा हूँ कि इसका एडवांस वर्जन है ठीक है आर एक स्टेप अहेड है पी तो एडवांस कैसे हुआ इसकी नीड क्यों हुई वो सारी चीजें हम इसके बारे में बात करेंगे कि पीएससी को लाए क्यों इसके जो प्रोज हैं वो क्या क्या है अगर कुछ कॉन्स हैं तो वो क्या क्या है इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अगर मैं बात करूं प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट की प्री स्ट्रेस्ड प्री स्ट्रेस्ड का मतलब क्या हो रहा है प्री का मतलब पहले स्ट्रेस का मतलब हम वहां पर स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्क्रीट के अंदर ठीक है प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट का मतलब कॉन्क्रीट में हम पहले से ही हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेस को हम क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है ये आपके पास अमेरिकन कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट जो है जो प्री स्ट्रेस पर डील करता है सोसाइटी का तो वहां पर मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है वो क्या आपके पास प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज द वन इन विच देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेसेस ठीक है इज द वन देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सच मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट द स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल लोडिंग आर काउंटर बैलेंस टू अर डिजायर डिग्री ठीक है तो ये मैंने डेफिनेशन लिखा आपने पढ़ा आपको कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है ठीक है क्योंकि ये जो डेफिनेशन लिखा हूं मैं कैसे लिखा हूं हमारे पास जो एक जो फॉर्मल जो डेफिनेशन हमें जो आई है उसके बारे में आपसे बात किया हूँ अब इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे मैं चाहना आपको बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है ठीक है इसमें आपको बोला है कि आपके पास प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में अगर मैं बात करूं ठीक है मान लीजिए मैंने एक बीम बनाया है ये एक गर्डर है ठीक है गर्डर बीम है आपके पास गर्डर के बारे में बात करूं तो एक बीम है लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन उसका जो स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है तो उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम बोलते हैं गर्डर ठीक थोड़ा सा इसको थोड़ा सीधा करते हैं मेरी आदत है पता नहीं कैसे मैं हमेशा मुझे टेढ़ा ही दिखता है थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक गर्डर का शेप बनाया है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या करते हैं अगर आर की बात होती ठीक है अगर आर होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर एक स्टील बार डालते हैं ठीक है हम यहाँ पर क्या करते हैं एक स्टील बार डालते हैं और ये क्या आपके पास यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग कुछ होता है एक बीम है आपके पास आर का ये आपके का है। हम, portion, क्या आपके पास आर का एक बीम है यहाँ पर हम बॉटम पोर्शन जो कि क्या है आपके पास न्यूट्रल फाइबर के नीचे जो होता है न्यूट्रल फाइबर के नीचे आपके पास जो टेंशन जोन होता है वहां पर हम क्या करते हैं री एनफोर्समेंट बाढ़ डालते हैं तो यहां पर मैं बोल रहा हूं आपके पास जो आर का आपके पास जो बीम है ठीक है आर का जो बीम है वहां पर हम क्या करते थे है? हमारे पास यहां पर हमारे पास ये टेंशन जोन होता था न्यूट्रल फाइबर के नीचे और न्यूट्रल फाइबर के ऊपर क्या होता था हमारे पास वो कंप्रेशन जोन वहां पर देखने को मिलता था ठीक है लेकिन अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आपके पास प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में अगर मैं बात करूं ठीक है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहां पर क्या होगा मैं बोलूंगा आपको कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं पी जब भी बीम हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे तो हम यहाँ पर पहले से ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रेसेस हम क्या करेंगे यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है ये आपके पास जो बीम है उसमें हम क्या कर रहे हैं पहले से ही हम यहां पर इंटरनल स्ट्रेसेस क्या करेंगे यहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है उससे होगा क्या उसके बारे में भी अपन बात करेंगे तो सबसे पहले मैं अभी पीएससी के बारे में नहीं बता रहा था अभी मैं क्या बता रहा था आपको आरसीसी के बारे में ठीक है मान लीजिए ये क्या आपके पास दिस इज योर आरसीसी बीम ठीक है ये क्या आपके पास दिस इज योर आरसीसी बीम और आपको आरसीसी के बारे में पता है आपको यहां पर आर के बारे में पता है ठीक है बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक न्यूट्रल फाइबर है ऊपर आपके पास कंप्रेशन जोन होता है नीचे आपके पास टेंशन जोन होता है और जब भी आप यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग जब भी आप यहाँ पर प्लेस करोगे तो आपके पास ये बीम क्या होगा यहाँ पर ये यह बीम हो जाएगा आपके पास सैगिंग में चले जाएगा बीम क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर सैगिंग डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर नीचे में न्यूट्रल फाइबर के नीचे जो टेंशन जोन होता है वहां पर हम क्या करते हैं स्टील री को हम क्या करते हैं प्लेस करते हैं ठीक है थीके? अब बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर चीजें समझेंगे हम यहां पर यहां पर हम क्या करेंगे अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाऊँ एक्सटर्नल लोडिंग के लिए ठीक है लोडिंग कैसे आ रही है हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग मैं यहां पर इसका जो डिफॉर्मेशन कर्व जो होगा हमारे पास यहां पर जो डिफॉर्मेशन कर्व होगा वो मैंने बनाया अब यहां पर टॉप पोर्शन में जो टॉप फाइबर है यहां पर आपको कंप्रेशन ये क्या बन रहा है आपके पास कंप्रेशन में जा रहा है सिमिलरली बॉटम की अगर मैं बात करूं तो बॉटम किस में जा रहा है आपके पास टेंशन में जा रहा है बॉटम किस में जा रहा है आपके पास टेंशन में अभी मैं सिर्फ ये डेफिनेशन छोड़ दो के बारे में बता रहा हूं ठीक है अगर मैं इसके डिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं अगर मैं इसकी डिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो ये था उसका टॉप फाइबर ये था उसका टॉप फाइबर और यहां से लेकर यहां तक ठीक है ये वाला आपके पास क्या हो गया यहां पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया ये आपके पास क्या देखने को मिल गया दिस इज योर डेल्टा ठीक है यहां पर आपको क्या देखने को मिला यहां पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया इस बीम में कौन सी बीम है ये आर सी सी की बीम है आप देख रहे हो कि ऊपर क्या है आपके पास टॉप फाइबर आपके पास न्यूट्रल जो फाइबर होगा इसका जो न्यूट्रल फाइबर होगा उसके जो ऊपर वाला जो, जो जोन है वो पूरा कंप्रेशन में मैंने यहाँ पर कंप्रेशन से डिनोट किया है और नीचे वाला जोन क्या है टेंशन में तो मैंने यहाँ पर टेंशन से जोन डिनोट किया है बेसिकली जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ डेल्टा ठीक है तो ये था आर के बारे में आर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है इतनी सारी चीजें बताया अब अगर मैं बात करता हूँ पीएससी की सेम चीज मैं बता रहा हूँ यहां पर पीएससी की मान लीजिए क्या हो रहा है आपके पास यहां पर मैंने एक गर्डर बनाया पी का ठीक है मैंने क्या किया यहाँ पर एक प्रीड्रेस कॉन्क्रीट का क्या बनाया मैंने गर्डर बनाया गर्डर मतलब एक बहुत ही लार्ज डायमेंशन का क्रॉस सेक्शन का क्या है आपके पास बीम है उसको हम बोलते हैं गर्डर ठीक है girder, तो ये आपके पास एक बहुत ही लार्ज सेक्शन आपके पास गर्डर है इसमें मैं हम पहले से ही क्या करें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का मतलब कॉन्क्रीट में पहले से ही हम स्ट्रेसेस क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अब यहां पर क्या बोल रहे हैं आपको प्री स्ट्रेस इज दिन विच बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सच मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल लोड आर कॉन्ट्रोबैलेंड मतलब यहां पर आपको इंटरनल स्ट्रेसेज आपको ऐसा प्रोवाइड करना है कि आपके पास जो एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है ठीक है एक्सटर्नल लोडिंग के कारण लोडिंग के कारण आपको जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है आप इस वाले बीम में यह आपके पास पी एस सी बीम में आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आप इंटरनल स्ट्रेसेज आप ऐसा प्रोवाइड करिए कि आपके पास ये एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो डिफ्लेक्शन आपको जो देखने को मिला वो डिफ्लेक्शन क्या हो जाए आपके पास काउंटर बैलेंस्ड हो जाए ठीक है काउंटर बैलेंस मतलब वो डिफ्लेक्शन अभी जैसे कि आपके पास नीचे आपको जा रहा है डिफ्लेक्शन ठीक है नीचे क्या हो गया डिफ्लेक्ट हो गया भीम तो आप ऐसा स्ट्रेसेस आप प्रोवाइड करिए कि जो डिफ्लेक्शन जो है ये इतना आपके पास हाई डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को ना मिले यहां पर आपको डिफ्लेक्शन क्या देखने को मिले काउंटर बैलेंस्ड हो जाए मतलब आपके पास ये जो डिफ्लेक्शन जो आया है ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास कम हो जाए ठीक है अब इंटरनल स्ट्रेसेस डालेंगे कैसे तो उसके बारे में बात करते हैं तो मैं यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहा हूं हमारे पास ये आपके पास जो न्यूट्रल फाइबर था ठीक है अलोंग द स्पैन हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस नहीं बोलते हैं उसको तो क्या बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर ऊपर वाला आपको पता क्या बोलते कंप्रेशन जोन है नीचे वाला क्या है आपके पास टेंशन जोन है ठीक है मैं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मैं पहले से ही मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मैं यहां पर इंटरनल स्ट्रेसेस मैं क्या कर रहा हूं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं ठीक है मैंने क्या किया बिलो द न्यूट्रल फाइबर मैंने क्या किया यहां पर मैंने

और इस बीम के ऊपर क्या हो रहा था एडिशनली क्या हो रहा था यहां पर लोडिंग आ रही थी इस बीम पे एडिशनली क्या आ रही थी यहां पर लोडिंग आपको देखने को मिल रही थी क्लियर अब बेसिकली अब पीएससी बीम है ये प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम है ठीक है या फिर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट गर्डर है ये ठीक है अब बेसिकली क्या हो रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पर आर और पी में डिफरेंस क्या हो जा रहा है कि आर में आपको लोडिंग कैसे देखने को मिल रहा था जो लोडिंग था वो मैंने पी में भी लगाया बस बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टील री हम जो प्रोवाइड किए थे यहाँ पर भी आपके पास आपके पास यहाँ पर स्टील का री हम प्रोवाइड करेंगे उसका आपके पास उसके बारे में बात करूंगा मैं कि वो स्टील हम बार प्रोवाइड करेंगे कि वायर प्रोवाइड करेंगे क्या प्रोवाइड करेंगे मटेरियल कौन सा प्रोवाइड करेंगे मतलब यहाँ पर हम एक टेंसाइल मेंबर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आर और पी एस में डिफरेंस क्या हो गया कि हम यहाँ पी में हमने यहाँ पर इंटरनल

वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं इसके मेथड्स हैं बहुत अच्छे से हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे ठीक है पहले हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं फंडामेंटल चीजें हम समझते हैं तो मैंने यहां पर इंटरनल मैंने स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप किए अब बेसिकली होगा क्या अब यहां पर अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सेम अगर मैं इसको हटा दूँ मैं सिर्फ फर्स्ट वाला एक्सटर्नल लोडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं डिफॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ एक्सटर्नल लोडिंग के लिए क्या कर रहा हूँ मैं डिफॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ तो अगेन सेम ही होगा इसके लिए आपके पास कैसा देखने को मिलेगा अगेन सैगिंग कर्व आपको देखने को मिलेगा इस बीम में इस बीम में क्या होगा आपके पास अगेन सैगिंग कर्व आपको क्या देखने को मिलेगा तो ये सैगिंग कर्व आपने बनाया ठीक है लेकिन यहां पर आपके पास मैं सिर्फ ये एक्सटर्नल लोडिंग के लिए बोल रहा हूं मैं ठीक है ये जो आपके पास है ये क्या है आपके पास ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग जैसा आपने आर में जैसा आपने बनाया था डिफॉर्मेशन आपके पास जो कर्व है सेम हमने यहां पर बीम का मैंने डिफॉर्मेशन आपको डायग्राम शो किया तो यहां पर आपको देखने को मिला है कि ये क्या आपके पास दिस इज योर डेल्टा वन ठीक है ये क्या आपके पास दिस इज योर डेल्टा वन लेकिन अगर मैं बात करूं ये तो सिर्फ एक्सटर्नल लोडिंग का था मैं बात करूं अब एक्सटर्नल लोडिंग को आप हटा दो दूसरा आप किसके बारे में बात करिए ये जो कंप्रेसिव लोड जो जनरेट आपने करवाए हैं इस बीम के अंदर ये कंप्रेसिव लोड जो जनरेट आपने कराया इसके कारण इस बीम में जो डिफॉर्मेशन जो आ रहा है उसके बारे में आप बताइए वो कैसा आएगा तो मान के चलिए आपके पास मान के चलिए आपके पास क्या है आपके पास एक बीम है ठीक है ये बीम मैंने उठाया ठीक है मैंने आपके सामने ऐसे रखा ठीक है ये बीम है आपके पास मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ मैं नीचे से उसको कंप्रेस कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ उसको न्यूट्रल फाइबर के नीचे से मतलब मैं बॉटम से क्या कर रहा हूँ मैं उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर मैं बॉटम से उसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप इसको बॉटम से अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे न्यूट्रल न्यूट्रल फाइबर के नीचे से अगर आप ऊपर से करोगे तो अलग आएगा न्यूट्रल फाइबर के नीचे से मतलब इसमें बुक में समझ में नहीं आएगा थोड़े बड़ा अगर आपके पास कोई आ, आ, कोई मेंबर होगा तो उसमें समझ में आ जाएगा तो न्यूट्रल फाइबर के नीचे से अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर आपको जो डिफॉर्मेशन जो देखने को मिलेगा वो हॉगिंग देखने को मिलेगा ठीक है न्यूट्रल फाइबर के मतलब इसके न्यूट्रल फाइबर के नीचे मतलब बॉटम साइड में अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कंप्रेशन लोड्स मतलब मैं यहां पर कंप्रेशन में यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं तो उस केस में आपको यहां पर बीम कैसे देखने को मिलेगी कि क्या हो जाएगा यहां पर हॉगिंग इसमें क्या हो जाएगा डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा ठीक है तो आपके पास मैं क्या बोल रहा हूं कि यह फर्स्ट वाला फर्स्ट क्या हमारे पास ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग हमें यहां पर सैगिंग कर्व देखने को मिला नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं ड्यू टू क्या कंप्रेसिव लोड्स तो अगर मैं ड्यू टू कंप्रेसिव लोड्स की बात करूं तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा मुझे यहां पर हॉगिंग मोमेंट यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है इतना ज्यादा तो आएगा नहीं मैं बहुत ज्यादा बना दिया लेकिन फिर भी बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा सॉरी एक्सटर्नल लोडिंग बोल रहा हूं आपने जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो प्रोवाइड किए जो कंप्रेसिव लोड्स आपने जनरेट जो करवाए उसके कारण क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपके पास ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस या फिर ड्यू टू इंटरनल कंप्रेसिव लोड के बारे में बात करूं तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको यहां पर हॉगिंग कर्व देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको यहां पर हॉगिंग कर्व देखने को मिल रहा है तो आप देखिए एक साइड में क्या हो रहा है आपके पास डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपके पास नीचे आ रहा है एक साइड में क्या हो रहा है आपके पास बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है आपके पास नीचे आ रहा है और दूसरे के कारण क्या हो रहा है बीम का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपके पास ऊपर आ रहा है तो आपने जो इंटरनल आपने जो यहां पर स्ट्रेसेस जो प्रोवाइड किए वो जो नीचे जो डिफ्लेक्शन आना था उसने क्या किया काउंटर बैलेंस कर दिया ऊपर डिफ्लेक्शन आके ठीक है ऊपर क्या किया डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करके यहां पर क्या किया काउंटर बैलेंस कर दिया तो उसी की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा है कि प्रीज ड्रेस कॉन्क्रीट इज द वन इन विच देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेसेस ठीक है देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेसेस मैं किसके टर्म्स में प्रोवाइड कर रहा हूं मैं कंप्रेसिव लोड्स के टर्म्स में क्या कर रहा हूं यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं सच दैट सच दैट द मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल लोडिंग ठीक है अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर जो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आपके पास ये बीम में आपके पास जो डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है स्ट्रेसेस मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये जो डिफ्लेक्शन की जो आया है आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या करेगा आपके पास आर काउंटर बैलेंस टू अ डिजायर डिग्री काउंटर बैलेंस मतलब सिंस ये डिफ्लेक्शन नीचे जा रहा है मैं ये जो लोडिंग हमने हमने जो इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोवाइड किया है ये डिफ्लेक्शन क्या कर रहा है ऊपर की तरफ हॉगिंग मोमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर जनरेट हो रहा है यहाँ पर इस बीम में हॉगिंग कर आपको देखने को मिल रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया ऊपर के साइड यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया तो पहले जो नीचे के साइड में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको क्या कर रहा है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है क्या ऊपर के डायरेक्शन में ठीक है तो इसका मतलब अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूँ ठीक है दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूँ किसकी आपके पास पी बीम्स की दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूं मतलब एक क्या है हमारे पास वन और टू तो अगर मैं समेशन ऑफ वन और टू की बात करूं ड्यू टू ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इफेक्ट्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इफेक्ट्स ठीक है मतलब एक है हमारे पास डेल्टा वन है हमारे पास डाउनवर्ड और डेल्टा टू जो आ रहा है वो कैसा हमारा आ रहा है हमारे पास अब पढ़िए क्या हमारे पास डेल्टा वन मतलब सैगिंग कर्व यहाँ पर देखने को मिल रहा था और डेल्टा टू क्या देखने को मिल रहा था हमें हॉगिंग कर्व देखने को मिल रहा था हमें यहाँ पर हॉगिंग कर्व यहाँ पर देखने को मिल रहा था तो इसके कारण जो टोटल हमारे पास जो डिफ़्लेक्शन है टोटल जो तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा ठीक है डेल्टा डैश वो हमारे पास काफ़ी कम रहेगा ठीक है इसका पीएससी एस का मैं बात कर रहा हूं पीएससी को क्या बोल रहा हूं मैं इसका जो टोटल जो डिफ्लेक्शन आएगा टोटल जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आर के टोटल डिफ्लेक्शन से काफ़ी कम होगा ठीक है वो क्या होगा आपके पास आर के टोटल डिफ्लेक्शन से क्या होगा आपके पास काफ़ी कम होगा या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा ऑफ पी एस सी विल बी लेस देन डेल्टा ऑफ आर समझ में आया मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मैं बोल रहा था कि हमारे पास जो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो होता है वो थोड़ा एडवांस्ड एडवांस क्या होता है फिलासफी हो जाती है किसके रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में तो पहला मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया मैंने इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में बात किया कि आपके पास मैंने सेम मैग्नीट्यूड का मैंने लोड लगाया ठीक है सेम मैग्नीट्यूड का लोड लगाया बाकी सारी चीज़ें भी सेम है आपके पास क्रॉस सेक्शन वगैरह भी सब चीज़ सेम है लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अंडर दिस लोडिंग आपको यहां पर जो डिफ़्लेक्शन जो देखने को मिल रहा है डेल्टा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेरिटिवली विथ जब आपने एक पी बीम डिज़ाइन किया जिसमें आपने कंप्रेसिव लोड्स लगाए मतलब आपने इंट्रोड्यूस किया किस को इंटरनल स्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस किया तो उस केस में आपके पास दोनों के कारण एक्सटर्नल लोडिंग और इंटरनल स्ट्रेसेस दोनों के कारण क्या देखने को मिल रहा है यहां पर डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दूसरा आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये क्या कर रहा है आपके पास जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो काउंटर बैलेंस कर दे रहा है डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग तो दोनों का अगर मैं समीशन देखूंगा एक का डाउनवर्ड दूसरे का ऊपर तो दोनों का अगर मैं समीशन किया हूं जो हमें जो डेल्टा डैश जो मिला है मतलब पीएससी का जो हमें डिफ्लेक्शन मिला है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिला है किससे डिफ्लेक्शन इन आरसीसी क्लियर समझ में आया तो यहां पर आपने सबसे पहला हमने जो देखा वो क्या देखा हमने डिफ्लेक्शन के बारे में देखा कि पीएससी में जो डिफ्लेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है कंपेरेटिवली विथ आरसीसी तो ये था आपके पास डिफ्लेक्शन के बारे में बात कि अंडर सर्टेन लोडिंग सेम अमाउंट ऑफ लोडिंग आर सी सी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर देगा कंपेरेटिवली विथ पी एस सी तो अभी मैंने आपको ये सब कुछ बताया नहीं है ठीक है अभी आप बोलोगे कि सर आपने ये जो इंटरनल जो स्ट्रेसेस आपने जो प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसिव लोड वो आपने कैसे प्रोवाइड किया ये सब के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा ठीक है अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ पी का मतलब समझा रहा हूँ ठीक है ये क्या आपके पास ये आप बोलोगे कि सर ये रेनफोर्समेंट बार है ये रेनफोर्समेंट बार नहीं है ये आपके पास क्या है ये आपके पास इसके बारे में बताऊंगा कि जो मटेरियल हम जो टेंसाइल मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो जो आर में जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं है ये दूसरा आएगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे ठीक है अभी समझ में आया डिफ्लेक्शन के बारे में ठीक है डिफ्लेक्शन के बारे में समझ में आया तो ये क्या था आपके पास पी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया तो एक था डिफ्लेक्शन के बारे में नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ किसके लोड्स के बारे में या फिर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास कि आर में आर में आपके पास जो डायमेंशन जो रहेगा ठीक है डायमेंशन मतलब क्रॉस सेक्शन डायमेंशन की वजह बात कर रहा हूँ वो जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ वो आपके पास क्या रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली विथ पी एस सी के बीम्स में मतलब अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड्स को आप रेजिस्ट करवाना चाहते हो तो आपको अगर आप आर सी सी से डिजाइन कर रहे हो तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा लेकिन सेम अमाउंट ऑफ लोड्स या फिर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस को अगर आप रेजिस्ट करवाना चाहते हो लेकिन आप उसको कैसे डिजाइन कर रहे हो एज अ पी एस सी बीम आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर इसकी जो क्रॉस सेक्शन होगी आपको वहां पर कम प्रोवाइड आपको भी करोगे तो भी चल जाएगा मतलब इसका जब डिज़ाइन करोगे तो इसका जो डायमेंशनस जो आएगा वो कंपेरेटिवली बहुत कम आएगा इन टर्म्स ऑफ आर कैसे आएगा उसके बारे में अपन बात करते हैं ठीक है तो यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि आपके पास कि जब द डायमेंशंस द डायमेंशंस या फिर आप बोल सकते हो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशनस ठीक है किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं क्रॉस सेक्शनल डायमेंशनस के बारे में बात कर रहा हूं

मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप एक आपके पास फोर्स या फिर एक लोड जो भी आ रहा है आपके मेंबर के ऊपर या जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट करवाने के लिए आप जो मेंबर डिजाइन कर रहे हो जैसे मैंने यहां पर बीम डिज़ाइन किया ठीक है तो अगर आप आर की बीम अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो यहां पर आपके पास इसका जो क्रॉस सेक्शन जो डायमेंशनस होंगे आर का वो आपको देखने को मिलेंगे कि आप वहां पर जब डिजाइन करके निकालोगे डायमेंशन इसका लेंथ इन टू अगर आप रेक्टेंगुलर अगर आप यहाँ पर बीम डिजाइन कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेरिटिवली विथ जब आप पीएससी की बीम को आप क्या करेंगे यहां पर डिजाइन करेंगे ठीक है तो पीएससी की जो बीम्स होती है जब आप वहां पर डिजाइन करेंगे अंडर सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड जो कि आप आरसीसी में जो निकाले थे सेम अमाउंट ऑफ लोड्स को अगर आप वहां पर रजिस्ट करवाना चाहते हैं तो जो मेंबर जो अगर आप डिजाइन करोगे पीएससी कर से तो उसके डायमेंशन आपको कम देखने को मिलेंगे क्यों उसका रीजन अपन समझते हैं ठीक है तो अभी मैंने आपको समझाया दोनों का डिफरेंस पहला डिफरेंस मैंने आपको आर का बताया ठीक है पहला मैंने आपको आरसीसी सी कॉम्पोनेंट्स मैंने कंपेयर किया दूसरा कंपेयर क्या कर रहा हूं मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी पीएससी की, की ठीक है तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है ये मान लीजिए मैं आरसीसी बनाया और ये मैंने पीएससी का एक मेंबर बनाया ठीक बेसिकली ये कि आपके पास दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर अगेन ये भी कि आपके पास दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर ठीक है ये आपके पास आर की बीम है और ये आपके पास पी का बीम है अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आपको पता है आरसीसी में हमने पूरा एनालिसिस कर लिया आपको आरसीसी के बारे में हर एक चीज़ का नॉलेज है मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं आपसे जितना मैंने पढ़ाया ठीक है लेकिन आपको पीएससी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि पीएससी हमने अभी अभी स्टार्ट किया तो अगर मैं आरसीसी के बारे में बोलूँ तो मैंने क्या बताया था कि बिलो द न्यूट्रल फाइबर क्या है आपके पास यहाँ पर आपको टेंशन जोन देखने को मिलता है और ऊपर क्या देखने को मिलता है आपके पास कंप्रेशन जोन देखने को मिलता है उसका मैंने अभी आपको कर्व भी शो किया ठीक है उसका मैंने अभी आपको कर्व भी मैंने शो किया सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं पी में तो मैंने आपको बोला था कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम एडिशनल इंटरनल स्ट्रेसेस बिलो द न्यूट्रल फाइबर हम क्या कर रहे हैं यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब मैंने यहां पर इंटरनल स्ट्रेसेस किसके फॉर्म में कंप्रेसिव लोड्स के फॉर्म में मैंने क्या किया यहां पर प्रोवाइड किया तो अभी आपको पता है कि अबव द न्यूट्रल फाइबर यहां पर क्या था कंप्रेशन जोन तो आ रहा था लेकिन पी के टाइप में पी के मेंबर में मैं बिलो द न्यूट्रल फाइबर भी आप देख रहे हो कि आपके पास बिलो द न्यूट्रल फाइबर भी क्या हो रहा है यहां पर इंटरनल स्ट्रेसेस मैंने प्रोवाइड किए हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसिव लोड्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसिव लोड्स तो बिलो द न्यूट्रल फाइबर भी क्या हो रहा है आपके पास ये भी क्या हो रहा है आपके पास कंप्रेशन क्या हो रहा है कंप्रेशन जोन में चले गए क्यों क्योंकि आपने यहां पर आपने कंप्रेसिव लोड्स आपने यहां पर क्या किया प्रोवाइड किया खुद से आपने क्या किया इंट्रोड्यूस किया इंटरनल स्ट्रेसेस आपने क्या किया यहां पर खुद से आपने यहां पर क्या किया है प्रोवाइड किया हुआ है तो दोनों चीज में डिफरेंस समझ में आया आरसीसी में क्या हुआ आपके पास आरसीसी में न्यूट्रल फाइबर के नीचे आपको पता था टेंशन जोन होता है न्यूट्रल फाइबर के ऊपर आपको पता था क्या होता है कंप्रेशन जोन होता है, है। लेकिन पीएससी में अगर आप बात करोगे तो न्यूट्रल फाइबर के ऊपर भी कंप्रेशन देखने को मिल रहा है न्यूट्रल फाइबर के नीचे आपको टोटल आपको टेंशन देखने को नहीं मिल रहा है क्यों क्योंकि यहां पर हमने कंप्रेसिव लोड हमने यहां पर प्रोवाइड करके रखा हुआ है ठीक है तो अब ये क्या हो गया दोनों यहां पर क्या हो गया आपके पास कंप्रेशन जोन में चले गए अब अगर मैं बात करूं आपसे जब इसका एनालिसिस करते हैं हम ये वाले आर का तो मैं अगर मैं बात करूँ कि मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पर कंप्रेसिव लोड्स निकाल रहा हूं मैं क्या निकाल रहा हूं कंप्रेसिव लोड निकाल रहा हूं आर के लिए तो फार्मूला आपको याद होगा जब कंप्रेशन हमने लोड निकाला था कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बात करूँ ठीक है कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो कंप्रेसिव फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं सी के बारे तो में तो इसका फॉर्मूला कितना था आपके पास पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के b इन एक्स यू इसका हमने पूरा मैंने आपको स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम वगैरह सब बना के मैंने इसको प्रूव करके दिखाया था कि आपके पास जब स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर आपके पास सिर्फ कंप्रेसिव जोन के लिए एक रेक्टेंगुलर आपके पास जोन मिलता है एक आपके पास पैराबोलिक जोन मिलता है दोनों का जो आपके पास जो फोर्सेस है C1 और C2 दोनों का आप ऐड कर दोगे तो आपको C का जो फॉर्मूला मिलता है वो कितना मिलता है पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी इन एक्स यू क्लियर है मतलब इसका मतलब जब आप आर सी सी में जब आप कंप्रेसिव लोड्स निकाल रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं आपके पास C इक्वल्स टू पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी इन टू एक्स यू ठीक है एक्स यू क्या होता है आपके पास डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल फाइबर या फिर न्यूट्रल एक्सेस ठीक है इसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊं आर सी सी का मैं क्या बनाऊं यहां पर क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊं ठीक है आपके पास क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं तो इसका न्यूट्रल एक्सेस है ये क्या हो गया आपके पास कंप्रेशन जोन में और नीचे वाला क्या आ गया आपके पास टेंशन जोन में अब इसका मैं बोलूं डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस मतलब जब आप कंप्रेसिव फोर्स निकाल रहे हो आरसीसी में सी की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो वो कितनी है के इसका मतलब वो सिर्फ कहां तक का कंप्रेसिव लोड के लिए वो आपके पास क्रॉस सेक्शन के कहां तक का डिस्टेंस को उसने कवर किया है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल फाइबर के ऊपर जो कि क्या है हमारे पास कंप्रेशन जोन है ठीक है मतलब उसने आप आरसीसी में टोटल कंप्रेसिव लोड्स के लिए हमें सिर्फ इतने एरिया की ही रिक्वायरमेंट है इतना हमें एरिया की ही रिक्वायरमेंट है कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव फोर्स जब हम निकालते हैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस क्या हो रहा है वहां पर टेंशन जोन आ रहा है तो हम आर में मान के चलते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का रोल कोई है ही नहीं कॉन्क्रीट का रोल सिर्फ क्या है कि वो जो टेंशन बार्स जो आप स्टील बार जो आप प्रोवाइड कर रहे हो बस वो स्टील बार्स को अपनी पोजीशन में क्या करें होल्ड करके कर रखें ठीक है अपनी पोजिशन में क्या करें वो होल्ड करके रखें लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको अगर कंप्रेसिव फोर्स निकालना है रेजिस्टिंग कंप्रेसिव फोर्स अगर आपको निकालना है आरसीसी में तो वो क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो जो कंप्रेसिव फोर्स आप निकाल रहे हो वो सिर्फ अबोव द न्यूट्रल एक्सिस के लिए ही निकाल रहे हो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस के लिए आप वहां पर कॉन्क्रीट वहां पर कोई रोल प्ले करता ही नहीं है ठीक है उसका फंक्शन क्या है आपके पास बिलो द न्यूट्रल एक्सिस के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा वहां पर जो आपने स्टील रे जो प्रोवाइड किया है उसकी पोजिशन को वो होल्ड करके रखेगा ठीक है बाकी वो, वो आपके पास कोई भी फोर्स के रेजिस्टिंग फोर्स के लिए, लिए वहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा कॉन्क्रीट का कंट्रीब्यूशन जो रहेगा कॉन्क्रीट का वो सिर्फ अबोव द न्यूट्रल एक्सिस ही रहेगा ये वाला जो पोर्शन जो है उसको मैंने शेड किया मतलब कहां तक टॉप फाइबर से लेकर एक्स यू डिस्टेंस तक एक्स यू मतलब न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस तक क्यों क्योंकि यही क्या है आपके पास सिर्फ कंप्रेशन जोन में है कॉन्क्रीट सिर्फ वहीं तक का क्या करेगा उसी जोन के लिए आपके पास कंप्रेसिव फोर्स टोटल स्ट्रक्चर के लिए क्या करेगा रजिस्ट करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स यहां पर देगा फॉर्मुले से लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर लेकिन मैं बात करूं किसकी यहां पर मैं बात कर रहा हूं पीएससी बीम्स की ठीक है तो अगर मैं इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाया इसका मैं क्या बना रहा हूं क्रॉस सेक्शन ये क्या है उसका ये उसका है आपके पास न्यूट्रल एक्सिस तो आप यहां पर देखने को मिलेगा कि अबव द न्यूट्रल एक्सिस भी क्या है आपके पास कंप्रेशन जोन है और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस भी क्या देखने को मिल रहा है आपके पास बिलो द न्यूट्रल एक्सिस भी आपको यहां पर देख रहा है देखने को मिल रहा है यहां पर कंप्रेशन जोन इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर कंप्रेसिव फोर्स अगर आप निकालोगे ठीक है आप यहां पर क्या निकाल रहे हो टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल रहे हो तो वो ये पूरा ये जो पूरा जो एरिया है ये पूरा जो एरिया है अबव द न्यूट्रल एक्सिस और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ये पूरे एरिया को क्या करेगा वो कंसिडर करेगा डिस्पाइट ऑफ द आर सी सी जहां पर हमने सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस तक के एरिया को ही लेके रखा था तो अगर आप मेरे को बात बताइए हम निकाल रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स और हमने यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या कर सकता है रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकता है तो आपको यहां पर ये यह जो पी एस सी का आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है और आपके पास आर सी सी का जो क्रॉस सेक्शन है यहां पर हमने एफेक्टिव किसको लिया सिर्फ हाफ ऑफ द हमने क्या लिया यहां पर न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस को ही हमने यहाँ पर कंसिडर किया है लेकिन पी के लिए हमने यहाँ पर पूरे हमने यहाँ पर पूरे जो आपके पास जो मेम्बर का जो क्रॉस सेक्शन है उसको हमने कंसिडर किया है तो मतलब आप देखने को मिलेगा कि इसका जब आप क्रॉस सेक्शन जब आप प्रोवाइड करोगे ठीक है मतलब यहां पर आपके पास जब क्रॉस सेक्शन जब आप प्रोवाइड करोगे पीएससी के लिए तो उसका क्रॉस सेक्शन वहां पर कम में ही उतना फोर्सेस वो क्या कर लेगा अचीव कर लेगा लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो सिर्फ इतने तक के ही इतने तक के ही जोन के लिए क्या करेगा वो इफेक्टिव रहेगा कंप्रेसिव लोड्स को लेने के लिए ठीक है लेकिन यहाँ पर पी में पूरा क्रॉस सेक्शन क्या है आपके पास इफेक्टिव है कंप्रेसिव लोड्स को लेने के लिए मतलब डायमेंशन आपको यहाँ पर काफ़ी कम मिलेगी उतने लोड को अचीव करने के लिए बट आर में उतने लोड्स को अचीव करने के लिए रजिस्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पर डायमेंशन बहुत ज्यादा मिलेगी क्यों क्योंकि जो इफेक्टिव जो पोर्शन है जो रजिस्ट करवा रहा है वो सिर्फ अबॉव द न्यूट्रल एक्सिस ही है ठीक है तो यहाँ पर पी में और आर में जो सेकेंड जो डिफरेंस आ जाता है वो क्या हो जाता है आपके पास कि जो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन जो आपके पास डायमेंशनस है वहां पर आर में क्या देखने को मिल रहा है काफी ज़्यादा आपको प्रोवाइड करना पड़ता है लेकिन जब आप पी प्रोवाइड करेंगे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जब आप प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या हो रहा है आपके पास जो डायमेंशंस रहेंगे वो कम डायमेंशनस में भी क्या कर लेगा आपके पास अचीव कर लेगा जितना आपको रेजिस्टिव रजिस्टिंग फोर्स आपको प्रोवाइड करनी है ठीक है तो कम डायमेंशंस में भी उतनी लिमिट तक उतनी वैल्यू तक वो पहुंच जाएगा लेकिन आर में आपको उतनी वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा डायमेंशंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो अभी मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ एकदम आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ पी क्या होता है और आर क्या होता है पी में हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर हमने एडिशनल हमने क्या किया यहाँ पर कंप्रेसिव लोड्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर लिए ताकि न्यूट्रल फाइबर के जो नीचे वाला जो, जो जोन है न्यूट्रल फाइबर के नीचे वाला जो, जो जोन है वहाँ पर भी क्या देखने को मिले कंप्रेसिव जोन देखने को मिले लेकिन आर की अगर मैं बात करूँ तो नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है टेंशन जोन ही होता है वहाँ पर कॉन्क्रीट की जो वैल्यू होती है कॉन्क्रीट का आपके पास जो इफेक्ट होता है वो निल होता है कंक्रीट का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ एक ही फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो स्टील रिइंफोर्समेंट को क्या करें अपनी पोजिशन में होल्ड करके रखें ठीक है बाकी जब एनालिसिस करते हैं तो हम कंप्रेसिव लोड्स के लिए हम सिर्फ अबॉव द न्यूट्रल एक्सिस वाले पोर्शन को जो कि कंप्रेशन जोन होता है सिर्फ उतने ही इफेक्टिव पार्ट को हम क्या करते हैं वहां पर कंसिडर करके लेके चलते हैं तो बेसिक समझ में आया बेसिक डिफरेंस पीएससी क्या होता है आपके पास और आरसीसी का जो बेसिक डिफरेंस है तो यहाँ पर उसके मैंने कुछ फायदे बताएं ठीक है थीके? कि क्या क्या होता है आपके पास डिफ्लेक्शन यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा अंडर सेम अमाउंट ऑफ लोड दूसरी चीज आपको क्रॉस सेक्शन वहां पे काफी कम प्रोवाइड करने की नीड होगी अब आप बोलोगे सर ठीक है ना ज्यादा क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो क्या ही दिक्कत आ जाएगा ठीक है क्या ही प्रॉब्लम आ जाएगी ज्यादा प्रोवाइड कर लेंगे आपको यहां पर मैं यहां पर अगर बीम का क्रॉस सेक्शन लिया मैं बोल रहा हूं 400 हंड्रेड इंटू सिक्स का मैं क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन आप पीएससी में देख रहे हो तो 200 हंड्रेड इंटू थ्री का आपको क्रॉस सेक्शन वहां पर प्रोवाइड करने तक ही सफिशेंट हो जाएगा तो बोलोगे ठीक है ना सर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे अगर ज्यादा प्रोवाइड करोगे ठीक है तो वो क्रॉस सेक्शन की जो बात कर रहे हो जिसने आपने इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन आपने डिज़ाइन किया वो पूरा लेंथ ठीक है मतलब अगर आप एक ब्रिज बना रहे हो तो ब्रिज कितना वो तो किलोमीटर तक भी जा सकता है तो अगर आप इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन रख रहे हो और वो पूरा स्पैन वो ट्रैवल कर रहा है मान लीजिए वन किलोमीटर तक तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी और अगर आप पी एस सी बीम अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन कम है और वो कम क्रॉस सेक्शन का बीम पूरा ट्रैवल कर रहा है जितने भी आपने जितना भी लंबा आपका ब्रिजेस है तो उसका कॉस्ट और इसके कॉस्ट में जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा ठीक है जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा यहां पर अगर मैं कॉस्ट इकोनॉमिक्स की बात करूं आरसीसी में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली विथ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में ठीक है तो प्री स्ट्रस्ड कॉन्क्रीट कुछ कुछ वहां पर आपके पास कॉन्स भी होते हैं उसके बारे में बात करेंगे लेकिन बेसिकली जो बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हाई स्ट्रेंथ वैल्यू क्या करता है प्रोवाइड करता है कम्पेरेटिवली विथ आर ठीक है तो एक एक करके धीरे धीरे हम क्या करेंगे आगे चीज़ों को पढ़ेंगे अभी के लिए आप एक तो इतना बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ठीक है अपन आ गए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलिए बेसिकली अपन बात करें यहाँ पर प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट की तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैंने आपको बोला था कि मैंने यहाँ पर जो टेंशन जोन की अगर मैं बात कर रहा हूँ ठीक है खैर टेंशन जोन तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा था बिलो द न्यूट्रल फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम जो ये जो री हम यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं री ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम स्टील बार्स स्टील बार्स हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं ठीक है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में स्टील बार्स हम यहाँ यूज़ नहीं करते हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेंडेंस को ठीक है टेंडेंस क्या आपके पास देखिए टेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास स्ट्रैंड्स का कॉम्बिनेशन होता है और अगर मैं स्ट्रैंड्स की बात करूँ तो एक स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ वायर्स होते हैं ठीक है स्ट्रैंड किसका कॉम्बिनेशन है वायर्स का कॉम्बिनेशन है और ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं टेंडेंस बोलते हैं मतलब यहां पर भी आपने री प्रोवाइड किया हुआ है री इन्फोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है लेकिन बेसिकली वो स्टील बार्स हम जो यूज़ करते थे नॉर्मल आर में वो स्टील बार्स हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं टेंडेंस को टेंडेंस या फिर आप बोल दिए केबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं स्टील के ठीक है उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम स्टील कि के केबल्स अटेंडेंस को हम यूज करते हैं बेसिकली वो उसका यूज क्यों करते हैं उसके बारे में बात करते हैं बेसिकली हम यहां पर चाहते हैं कि हमारे पास इन प्रीज ड्रेस्ड कॉन्क्रीट की अगर मैं बात करूं इन प्रीज ड्रेस्ड कॉन्क्रीट देयर डज नॉट देयर डज नॉट अकर या फिर एकदम मिनिमम अमाउंट का देयर डज नॉट अकर एनी क्रैक्स ठीक है मतलब अगर आरसीसी की अगर मैं बात करूं ठीक है एक पॉइंट है ये पी का पी में क्या बोल रहा हूँ आपके पास कि यहाँ पर हमारे पास जो टेंसाइल क्रैक्स जो जनरेट होते थे आर में वो यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं मतलब आपके पास जो क्रैक्स जो जनरेट होते थे यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा जो डिफेक्ट्स जो थे वो पी में क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं तो उसी के लिए वो जो रिडक्शन के लिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं बेसिकली कैसे हो रहे हैं वो क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसको टेंडेंस को तो अगर मैं टेंडेंस की बात करूँ ठीक है अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग प्री स्ट्रेसिंग मटीरियल्स की ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मटीरियल्स की मतलब प्री स्ट्रेसिंग जहां पर आप कर रहे हो ठीक है वहां पर जो टेंशन टेंसन जो आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या हो सकता है देखिये बेसिकली आपके पास होता है टेंडेंस टेंडेंस क्या होता है आपके पास टेंडेंस होते हैं आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंड्स कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स और अगर मैं एक स्ट्रैंड्स की बात करूं ठीक है अगर मैं स्ट्रैंड्स की बात करूं तो बेसिकली स्ट्रैंड्स क्या होते हैं आपके पास ये होते हैं आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स कितने वायर्स अराउंड टू टू सेवन वायर्स तो बेसिकली आपके पास जो वायर्स जो होते हैं वो टू टू सेवन वायर्स आप क्या करोगे यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन आप रखोगे और वो उसको जब आप टू टू सेवन वायर्स को जब आप कंबाइन करोगे तो वो बन मिलकर क्या बनेगा आपके पास एक स्ट्रैंड बनेगा और वैसे ही आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ जब आप स्ट्रैंड रखोगे तो वो आपके पास जो आपके पास जो टेंशन मेंबर आपको जो देखने को मिला उसको हम क्या बोलते हैं टेंडन सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ टेंडेंस को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं केबल्स ठीक है तो यहाँ पर हम जो री की जो बार्स हम जहाँ प्रोवाइड करते थे आरसी में वहाँ पर हम बार्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं टेंडेंस या फिर केबल्स आप बोल सकते हैं ठीक है बेसिकली इसका रीजन क्या है मैंने आपको बताया रीजन क्या है कि हमें यहां पर क्रैक्स को क्या करना है एलिमिनेट करना है ठीक है पीएससी में क्या होता है आपके पास क्रैक्स जनरेट नहीं होते हैं जैसे आपके पास आर में होते थे कैसे होते थे देखिए अगर मैं आरसीसी की बात करूं अगर मैं आर की बात करूं तो आर में अबोव द न्यूट्रल एक्सिस या फिर अब द न्यूट्रल फाइबर क्या होता था आपके पास कंप्रेशन जोन होता था बिलो द न्यूट्रल फाइबर क्या होता था आपके पास वहां पर टेंशन जोन होता था ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास टोटल आर जो कॉन्क्रीट है री इनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट जो है तो कॉन्क्रीट में आप जो अगर आप कॉन्क्रीट जोन की बात कर रहे हो तो बेसिकली कॉन्क्रीट क्या कर सकते हैं आपके पास कंप्रेसिव जो आपके पास जो जोन होता है वहां पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है लेकिन कॉन्क्रीट आपके पास टेंशन में जो होता है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है मतलब यहां पर कंप्रेसिव आपके पास आपके पास इसकी बात करूं रेजिस्टेंस की कॉन्क्रीट की तो कंप्रेसिव वह वो 50 एम तक के लोड्स को भी क्या कर सकता है वो कैरी कर सकता है लेकिन अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन में आपके पास वो 2.5 पॉइंट एम पी ए तक के अभी क्या करेगा वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा ठीक है टेंशन में क्या होता है आपके पास कॉन्क्रीट जो होता है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है लेकिन कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्क्रीट क्या होता है आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है ठीक है तो बेसिकली हो क्या रहा है आपके पास हम यहाँ पर हम हमेशा मानते हैं कि यहाँ पर आपके पास स्टील और कॉन्क्रीट स्टील और कॉन्क्रीट में हम क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या है परफेक्ट बॉन्ड है दोनों के बीच में क्या है आपके पास परफेक्ट बॉन्ड है और मैं आपको क्या बोला कि बिलो द न्यूट्रल फाइबर यहां पर क्या आपके पास टेंशन जोन है और कॉन्क्रीट आपके पास टेंशन में क्या होता है आपके पास वीक होता है काफी ज्यादा वीक होता है अब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास स्टील जो आपने रेन्फोर्समेंट बार जो आपने प्रोवाइड किया यहां पर और इनके सराउंडिंग में जो कॉन्क्रीट है हम वहां पर अज्यूम करके चलते हैं दोनों के बीच में क्या है? आपके पास परफेक्ट वहां पर बॉन्ड है ठीक है और हमेशा हम जब मेंबर को डिजाइन करते हैं तो कैसे डिजाइन करते हैं उसको हम फेलियर चाहते हैं कि वहां पर कैसा हो आपके पास डकटाइल फेलियर हो या फिर अंडर इनफोर्स हम क्या करते हैं वहां पर डिजाइन करते हैं अब इसका मीनिंग क्या था आपके पास जब मैं आर में पढ़ा रहा था मतलब मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास जब आर में फेलियर आए तो सबसे पहले कौन सा मटेरियल फेल होना चाहिए आपके पास कॉन्क्रीट की आपके पास स्टील तो आप बोलोगे कि सर स्टील इतना तो हमें पता है आरसीसी हम पूरा पढ़ चुके हैं आपसे ठीक है तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर स्टील जो है बिलो द न्यूट्रल फाइबर की बात कर रहा हूं ठीक है अभी मैं सिर्फ आरसीसी के बारे में बता रहा हूं कि अगर स्टील आपके पास पहले क्या हो गया यील्ड कर गया फेलियर के टाइम पे क्योंकि आपके पास जो डिजाइन किया वो कैसे किया आपने अंडर इनफोर्स आपने डिजाइन किया है स्टील आपका पहले फेल हो गया तो क्या हो जाएगा सराउंडिंग में कॉन्क्रीट में भी क्या होगा आपके पास थोड़ा सा फेलियर देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में क्या आपके पास वहां पर परफेक्ट क्या है बॉन्ड है ठीक है और हम बोल रहे हैं अंडर मैंने डिजाइन किया मतलब यील्डिंग पहले किस में आ जाएगी आपके पास स्टील री में यील्डिंग पहले आ जाएगी तो अगर आपका स्टील यील्ड कर गया तो उसका जो फेलियर है सिंस परफेक्ट बॉन्ड की वजह से सराउंडिंग में जो कंक्रीट है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा आपको वहां पर यहां पर क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे आर में ठीक है आर सी की बात करूं ठीक है अगर आपका स्टील यहां पर फेल हो गया तो सराउंडिंग में जो कॉन्क्रीट है वहां पर क्या होगा आपको वहां पर देखने को मिलेंगे क्या आपको वहां पर क्रैक्स देखने को मिलेंगे क्यों क्योंकि आपका जो कॉन्क्रीट है वो टेंशन में काफी ज्यादा क्या होता है आपके पास वीक होता है तो जो बॉटम जो आपके पास ये वाला जो, जो जोन है टेंशन जोन वहां पर अगर स्टील फेल हो गया तो सराउंडिंग में आपका कंक्रीट में भी क्या देखने को मिलेगा आपको वहां पर क्रैक्स देखने को मिलेंगे ठीक है लेकिन हम जब पी डिजाइन करते हैं तो हम चाहते ही नहीं कि आपके पास जो आपके पास जो मेंबर है उसमें कहीं पर भी क्रैक्स आए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर काफी हाई स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मटेरियल हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं ठीक है वो कौन कौन सा होता है आपके पास उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर ना बार्स को हम यूज करते ही नहीं है ठीक है हम यहाँ पर क्या करते हैं बार्स को हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं उसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं टेंडेंस को ठीक है उसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते, है? करते हैं टेंडेंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं टेंडेंस क्या होता है आपके पास मैं आपको बताया कि वो क्या आपके पास ग्रुप ऑफ स्ट्रेंड्स है स्ट्रैंड क्या है मतलब जो वायर्स जो होता है वायर देखिए काफी ज्यादा डक्टाइल हो गया वायर मतलब काफ़ी ज़्यादा वहां पर क्या देखने को मिल गया हमें डक्टिलिटी उसकी काफ़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई तो इजीली जो टेंडेंस जो होता है वो यील्ड नहीं कर पाएगा कंपैरेटिवली विथ बार्स ठीक है इजीली टेंडेंस क्या होगा यील्ड नहीं कर पाएगा कंपेरेटिवली विथ तो इसलिए हम यहां पर टेंडेंस का यूज करते हैं और टेंडेंस में आपके पास इजिली यील्डिंग आएगा नहीं तो सराउंडिंग कॉन्क्रीट में भी क्या होगा वहां पर क्रैक देखने को मिलेगा नहीं दूसरी चीज हम यहां पर कंप्रेसिव लोड इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहां पर बिलो द बॉटम फाइबर भी क्या है वो कंप्रेशन में ही आ रहा है कंप्रेशन जोन में ही आ रहा है तो क्या होगा वहां पर आपके पास कॉन्क्रीट क्या होता है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन तो होता ही होता है तो वहां पर आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे क्लियर वहां पर आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे बट जब आप प्री स्ट्रेसिंग जब आप आप करते हैं यहां पर प्री स्ट्रेसिंग मतलब आप यहां पर जब कंप्रेसिव लोड जब आप प्रोवाइड करते हैं मेथड क्या है कंप्रेसिव का वो मैं बताऊंगा तो जितना आप प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं ना काफी सारा अमाउंट ऑफ आपके पास जो स्ट्रेसेस है प्री स्ट्रेसिंग का जो जो आपके पास अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है लॉस हो जाता है ठीक है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है वहां पर लॉसेस भी देखने को मिलते हैं तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो मटेरियल जो यूज़ करते हैं कौन सा कॉन्क्रीट और ये जो अपने हमने टेंसाइल मेंबर हमने यहाँ पर जो प्रोवाइड किया है टेंशन मेंबर जो प्रोवाइड किया है वो दोनों आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होने चाहिए आपके पास हाई स्ट्रेंथ के होने चाहिए ठीक है हाई स्ट्रेंथ के होने चाहिए तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपने यहाँ पर जो टेंशन मेंबर ठीक है टेंशन स्टील आपने जो प्रोवाइड किया है बार्स के फॉर्म में नहीं किसके फॉर्म्स में टेंडेंस के फॉर्म में और जो कॉन्क्रीट आप जो यूज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए उनका ठीक है क्योंकि जो लॉसेस वगैरह जो आ रहे हैं अकर होते हैं उसको क्या करें वो कवर अप कर ले ठीक है तो अगर मैं हाई स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ तो बेसिकली हम यहाँ पर जो टेंडेंस में वायर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका आपके पास जो उसकी जो वैल्यू होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए तो अगर मैं बात करूं यहां पर वायर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो डायमीटर के बारे में बात कर रहा हूं उसके डायमीटर ऑफ वायर्स के बारे में बात कर रहा हूं और उसकी बात कर रहा हूं मैक्सिमम या फिर मैं बोलूं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो हम कितना यूज करते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं ठीक है तो अगर आप एट एम एम बार्स अगर आप यूज़ कर रहे हो सॉरी वायर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो टेंटेंस आप बोल सकते हो एट एम एम वायर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो मैक्सिमम अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होती है आपके पास फोर्टीन हंड्रेड एम पी है वो कितनी होती है आपके पास फोटीन हंड्रेड एम पी है सिमिलरली अगर आप सेवन एम एम यूज़ कर रहे हो तो वो हो गया आपके पास अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड एम पी है ठीक है जैसे जैसे आप कम करते जा रहे हो उसका आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी आपके पास बढ़ते जाएगी नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो फाइव एम mm का तो वो होता है आपके पास सिक्सटीन हंड्रेड एम ठीक है फोर एम का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो होता है आपके पास सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी नेक्स्ट अगर आप थ्री एम यूज़ कर रहे हो तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी कितनी नाइनटीन हंड्रेड एम ठीक है तो अलग अलग वायर्स का जो डायमीटर हम जो यूज़ कर रहे हैं ठीक है वायर्स का जो डायमीटर जो यूज़ कर रहे हैं आपको देखने को मिलेगा कि वो कितना है उसका आपके पास अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी है हमारे पास 1400 हंड्रेड एम पी ए फिफ्टीन हंड्रेड एम पी एक्सटीन हंड्रेड एम पी ए मतलब ये बहुत ज्यादा है मतलब ये अराउंड थाउजेंड से थाउजेंड टू टू थाउजेंड एम पी ए तक का यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है यहां पर उसकी स्ट्रेंथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है क्लियर लेकिन अगर मैं बार्स के बारे में बात करूंगा ठीक है अगर मैं आपसे यहां पर रीनफोर्समेंट बार तो री इन्फोर्समेंट बार बेसिकली कितने होते हैं आपके पास वहां पर होते हैं आपके पास एफ ई टू फिफ्टी एफ ई फोर वन फाइव ठीक है एफ ई फाइव हंड्रेड इतने टाइप्स के आपके पास क्या होते हैं बार्स होते हैं तो कंपेरेटिवली यहाँ पर इसकी जो आपके पास अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है और आपके पास बार्स की जो अगर आप बात करोगे रेनफोर्समेंट स्टील बार्स हम जो प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिल रहा है टू और ये तो स्टार्ट ही हो रहा है कितने फोर्टीन से ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा हम क्या करते हैं यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ वायर्स को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं इसलिए हम बार्स को यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं क्यों क्योंकि वहां पर क्या होगा वो येल्ड कर जाएगा उतनी येल्डिंग आपके पास हो जाएगी तो वहां पर जो सराउंडिंग में जो कंक्रीट है वो क्या हो जाएंगे वहां पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे लेकिन अगर मैं वायर्स वगैरह यूज कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा येल्डिंग आएगी नहीं क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है काफी हाई स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिलती है क्लियर तो इसमें आपके पास क्रैक्स जो होंगे सराउंडिंग में येल्डिंग नहीं आएगा तो क्रैक्स भी नहीं आएगा और क्रैक्स वैसे भी डेवलप होगा नहीं क्योंकि आपके पास न्यूट्रल फाइबर के नीचे भी क्या आपके पास कंप्रेशन जोन ही आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से हमने यहां पर क्या किया है इंटरनल स्ट्रेसेस हम यहां पर प्रोवाइड करके रखे हैं क्लियर है तो ये था आपके पास हमारे पास बताने का कि आपके पास पीएससी में क्या हो रहा है अब एक और एडवांटेज मैंने बता दिया कि यहां पर आपके पास क्रैक्स भी क्या होते हैं आपके पास डेवलप नहीं होते तो पहला मैंने क्या बताया क्राइटेरिया मैं आपको बताया कि इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम आता है दूसरे के बारे में बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास यहां पर आपको जो क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूं तो क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशन होती है वो भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है तीसरी हमने यहाँ पर बात किया कि यहाँ पर आपके पास जो क्रैकिंग जो होता है कॉन्क्रीट के अंदर वो भी पी में क्या होता है काफ़ी हद तक क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पर जो मेम्बर्स हम यहाँ पर मटेरियल जो ले रहे हैं स्टील और कॉन्क्रीट वो काफ़ी हायर स्ट्रेंथ के मटेरियल्स को हम यहाँ पर ले रहे हैं तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हमें यहाँ पर नेसेसिटी जो है हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट और हाई स्टील हाई स्ट्रेंथ स्टील की वो नेसेसिटी क्यों है और कितनी तक होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ आरसीसी एंड पीएससी ठीक है मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि कंपैरिजन कर रहे हैं किसका किसका री सीमेंट कंक्रीट और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है एक थ्योरी क्वेश्चन में देखिए आपके पास अगर आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर आपको बोलेगा डिफरेंस बताओ डिफरेंस बिटवीन आर और पी में आप वो अराउंड सेवन मार्क्स का आपके पास आ सकता है ठीक है इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी आर की यहाँ पर बात करता हूँ दो कॉलम बनाया मैंने और यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी पी की ठीक है तो अभी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया पी एस सी और पी और आर के बीच में हमने यहाँ पर बात करी डिफरेंस वगैरह के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ आर के बारे में तो पॉइंट नंबर वन जो होता है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ओनली ओनली द कंप्रेशन ओनली द कंप्रेशन जोन ऑफ कॉन्क्रीट इज कंसिडर्ड ठीक है आर सी सी में हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे अब ऑफ द न्यूट्रल फाइबर हमारे पास क्या देखने को मिल रहा था अब ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जो कंप्रेशन जोन था बस उसी को हम कंसिडर करके क्या निकाले थे वहाँ से हमने देखा था कि आपके पास जो कंप्रेसिव जो फोर्स वगैरह का जो फॉर्मूला होता था बस वहीं से हम निकाले थे लेकिन अगर मैं पीएससी की बात करूं द एंटायर द एंटायर क्रॉस सेक्शन द एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज कंसिडर्ड एरिया इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स ठीक है जितना वो लोड क्या कर रहा है रजिस्ट करवा रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर पूरे क्रॉस सेक्शन को लेते हैं क्यों क्योंकि आपके पास न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी आपके पास यहाँ पर जो हमने इंटरनल हमने यहाँ पर जो स्ट्रेसेस हमने प्रोवाइड किया था वो भी कैसे हो गया आप कंप्रेशन जोन में यहाँ पर क्या हो गया कन्वर्ट हो गया तो अगर आप बात कर रहे हो कंप्रेशन फोर्स की कंप्रेसिव फोर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो सिर्फ आपको अब द न्यूट्रल एक्सिस मतलब सिर्फ कंप्रेशन जोन आपके पास जो होता है आरसीसी का वहां से आपको निकालना पड़ेगा लेकिन आपके पास पी की बात करूं तो पूरा एंटायर क्रॉस सेक्शन क्या होता है वहां पर हम यूज कर सकते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे आर का तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि आपके पास द क्रॉस सेक्शन द क्रॉस सेक्शन इज ऑफ इज ऑफ वेरी लार्ज डायमेंशंस द क्रॉस सेक्शंस इज ऑफ वेरी लार्ज डायमेंशंस लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सेकेंड पॉइंट की तो एक है आपके पास द क्रॉस सेक्शंस द क्रॉस सेक्शंस आर नॉट आर नॉट वेरी हाई इन डायमेंशंस इन डायमेंशंस ठीक है क्रॉस सेक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको कि यहां पर क्रॉस सेक्शन क्या मिलता है आरसीसी में ज्यादा मिलता है लेकिन अगर मैं पीएससी की बात करूं तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें वहां पर कम क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा सिमिलरली अगर मैं थर्ड पॉइंट बात करूं किसकी आरसीसी की तो so, यहां पर मैं बोल सकता हूं आपके पास द क्रैक्स क्रैक्स आर डेवलप्ड द क्रैक्स आर डेवलप्ड सिंस देर इज अ परफेक्ट बॉन्ड देयर इज अ परफेक्ट परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट ठीक है मतलब आपके पास अगर आपके पास स्टील क्या हो गई आपके पास यील्ड कर गई स्टील में जब फेलियर आ गया तो सिंस वहां पर क्या हो गया आपके पास परफेक्ट बॉन्ड है स्टील और कॉन्क्रीट का तो वहां पर कॉन्क्रीट में आपको देखने को मिल जाएगा क्रैक्स आपको देखने को मिल जाएगा या फिर आप देख सकते हो द क्रैक्स इन कॉन्क्रीट कैन भी डेवलप वेन द स्टील यील्ड सिंस देर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कॉन्क्रीट सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी अगर मैं बात करूँ पी एस सी की ठीक है तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है ज नो डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स ठीक है अभी मैंने आपको रीजन समझाया कि वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं हाई स्ट्रेंथ ऑफ हम वहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसके कारण नीचे जो आपके पास जो, जो, तो तो जो न्यूट्रल जो फाइबर है उसके नीचे भी हमने क्या किया है हमने वहाँ पर एडिशनल हमने वहाँ पर इंटरनल स्ट्रेसिस प्रोवाइड किया तो वो भी क्या हो जाएगा कंप्रेसिव जोन बन जाएगा तो वहां पर क्या होगा कॉन्क्रीट क्या होता है आपके पास कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है तो वहां पर क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है और क्या डिफरेंस हो सकते हैं और क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि आपको मैंने बोला था द डिफ्लेक्शन द डिफ्लेक्शन इन आर सी सी द डिफ्लेक्शन इन आर सी सी इज हाई ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं पॉइंट का मैं बोलूंगा आपके पास द डिफ्लेक्शन द डिफ्लेक्शन इज काउंटर बैलेंस्ड इन इज काउंटर बैलेंस्ड ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इन पी एस सी प्रोवाइडेड इन पी एस सी ठीक है और क्या आप बोल सकते हैं हम यहां पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके पास सिंस यहाँ पर क्रैक्स क्या होते हैं आपके पास यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स आपके पास उतना देखने को नहीं मिलता तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर एडिशनल शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एडिशनल शेयर इनफोर्समेंट एडिशनल शेयर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट टू रेजिस्ट द क्रैक्स टू रेजिस्ट द क्रैक्स लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर फिफ्थ पॉइंट तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा आपके पास द शेयर इनफोर्समेंट शेयर इनफोर्समेंट शेयर रेंट आर अवॉइडेड आर अवॉइडेड अप टू सर्टेन अमाउंट ठीक है मतलब यहां पर हमें क्रैक्स मैंने आपको बताया कि आपको यहां पर क्रैक्स उतना देखने को नहीं मिलेगा पीएससी में सिंस वहां पर हमें क्रैक्स वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है तो वहां पर हमें क्या कर सकते हैं हम यहां पर शेयर इन्फोर्समेंट की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास अंडर आपके पास देख लो आप लोडिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रही है तो हो सकता है वहां पर भी क्रैक्स डेवलप हो जाए तो उसके शेयर इन्फोर्समेंट वगैरह डाल सकते हो ठीक है और क्या पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर मैं लिख सकता हूं आपके पास यूज ऑफ यूज ऑफ हाई ग्रेड यूज ऑफ हाई ग्रेड कॉन्क्रीट यूज ऑफ हाई ग्रेड कॉन्क्रीट एंड स्टील एंड स्टील आर या फिर लिख सकते हो हाई मत लिखिए वेरी हाई लिखिए यूज ऑफ वेरी हाई वेरी हाई ग्रेड कॉन्क्रीट एंड स्टील आर नॉट रिक्वायर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली कॉन्क्रीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप M20 M25 के कॉन्क्रीट से भी आप क्या कर सकते हो यहां पर डिजाइन कर सकते हो आरसीसी के लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं पीएससी में तो आपको पीएससी में मिनिमम एम थर्टी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा किस केस में पोस्ट टेंशनिंग केस में लेकिन अगर प्री टेंशनिंग करें तो आपको वहां पर मिनिमम एम फोर्टी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा मतलब आप समझिए डिफरेंस समझिए यहाँ पर एम आप यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आप सीधा एम में आ गए ठीक है तो मैंने आपको यही बोला था कि आपके पास यहाँ पर हाई ग्रेड हाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील आर रिक्वायर्ड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील आर रिक्वायर्ड ठीक है मैं ग्रेड के बारे में बात करूंगा आपसे मैंने क्या बताया था यहाँ पर हम एम फोर्टी एम थर्टी से हम स्टार्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर आप एम ट्वेंटी से भी आप क्या कर सकते हैं आर सी सी को आप डिज़ाइन कर सकते हैं सिमिलरली स्टील में आपको मैंने बताया स्टील में हम यहाँ पर स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं कितना होता है एफ ई टू फिफ्टी फोर वन फाइव टू फिफ्टी की अगर बात करूँगा तो एफ ई टू फिफ्टी मतलब टू फिफ्टी एम ए तक का उसका क्या है आपके पास वहाँ पर हम उसके लोड को हम कंसिडर करते हैं लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा स्टील में यहां पर अगर मैं स्टील के बारे में बात करता करूं यहां पर हम स्टील बार्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम यहां पर टेंडेंस के वे में प्रोवाइड करते हैं टेंडेंस क्या होता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ जो वायर्स होते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स के बारे में बात करूं तो यहां पर स्टार्टिंग ही आप देखिए कितना हो रहा है आपके पास 1400 हंड्रेड का यहाँ पर क्या हो रहा है स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर रहा है कहां तक जा रहा है वो अप टू थाउजेंड तक एम वो क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप पी में अब स्टील और कॉन्क्रीट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हायर ग्रेड के काफ़ी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ के क्या करते हैं आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर ना पी में आपको एक पूरा एक एडिशनल एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा लॉसेस के बारे में तो आप देखोगे कि हम वो जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनल स्ट्रेसेस जब आप प्रोवाइड कर रहे हो ना तो वो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपके पास बहुत सारा जो आप इंटरनल स्ट्रेसेस जो प्रोवाइड कर रहे हो वो स्ट्रेसेस में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी देखने को मिलते हैं ठीक है काफ़ी ज़्यादा वहां पर लॉसेस भी वहां पर देखने को मिलते हैं तो वो लॉसेस को आपको कवर अप करने के लिए हमें जो मटेरियल्स हम जो यूज़ करते हैं स्टील और कॉन्क्रीट का वो स्टील और कॉन्क्रीट के जो लॉसेस होते हैं वो क्या करेगा आपके पास हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट अगर हम यूज़ करेंगे तो वो लॉसेस को क्या कर सकते हैं वो कवर अप कर सकते हैं समझ में आया तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं हाई ग्रेड ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कंपेरिटिवली विद आर ठीक है तो इसके बाद में आपको बताऊंगा कि वो जो स्ट्रेंथ के बारे में हाई स्ट्रेंथ के बारे में जो मैं बताया था वो हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी बताऊँगा कि, कि वहां कितना वहाँ पे लॉसेस वगैरह कितना आता है स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आती है तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको जो बताया है हाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और लो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो कि हम पी आर सी सी में यूज करते हैं डिफरेंस क्यों है उसके बारे में हम समझेंगे ठीक है अभी तक के लिए इतना ही अपन मिलते हैं आगे